नमस्कार दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश के प्रमुख प्राचीन पर्यटन एवं सांस्कृतिक स्थल चंदेरी, जो कि अशोकनगर जिले में स्थित है, इसको रेलवे लाइन से जोड़ने के लिए ललितपुर चंदेरी पिपरी गांव रेलवे लाइन के लिए सर्वे वर्ष 2010-11 में कराया गया था, लेकिन गलत तरीके से सर्वे करने की वजह से रेट ऑफ रिटर्न काफ़ी कम आया था तथा 395 करोड़ रुपये उस समय इसकी लागत निकलकर सामने आई थी। इसका पुनः सर्वे कराया गया रेलवे के द्वारा, तब इसकी लागत करीब 1958 करोड़ रुपये हाल ही में निकलकर सामने आई तथा रेट ऑफ रिटर्न -7% के आसपास हो गया था। 2011 में रेट ऑफ रिटर्न -12% के आसपास था, क्योंकि गलत कैलकुलेशन इसके ट्रैफिक का किया गया था, इस वजह से रेट ऑफ रिटर्न तब इतना कम आया था। हालांकि यह रेलवे लाइन जो मुख्य रूट है हमारा, भोपाल नई दिल्ली वाला रूट है, इसका ट्रैफिक कम करने के हिसाब से काफ़ी कारगर सिद्ध हो सकता है, क्योंकि कुछ गाड़ियों को जो कोटा गुना की सेक्शन में चलाया जा सकता है, मालगाड़ियां खास तौर पर इसमें शामिल है, एवं एक छोटा रूट यह निर्मित कर सकता। इसके बाबत चंदेरी क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर योगेश मिश्रा जी लंबे समय से प्रयासरत हैं, वे और उनकी टीम के द्वारा इसके बाबत विभिन्न जानकारियां जुटाई जाती रही हैं, एवं केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से वे समय समय पर मिलकर इस परियोजना के बारे में चर्चा करते रहते थे, मांग उठाते रहते। हाल ही में उनके द्वारा इसके बाबत पत्र सिंधिया जी को सौंपा गया। आगे आप सुनिए श्री योगेश मिश्रा जी के द्वारा इस परियोजना के संबंध में जानकारी जो दी गई। नमस्कार, मैं डॉक्टर योगेश मिश्रा। कल श्री सिंधिया जी अशोकनगर जिले के दौरे पर थे। ललितपुर चंदेरी पिपरी रेल लाइन की सर्वे रिपोर्ट जो वर्ष 2011 में रेल बोर्ड को सौंपी गई, उसमें भयंकर जो त्रुटि की गई है वह गलत ट्रैफिक कैलकुलेशन दर्शाकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, जिससे कम यातायात अनुमान का बहाना बनाकर पिछले 10 साल से रेलवे बोर्ड इसकी मंजूरी देने में आनाकानी कर रहा है। अब आप सभी को यह ताज्जुब होगा कि कोई भी रेल लाइन यदि डलती है तो क्या उस पर मालगाड़ियों की आवाजाही नहीं होगी? बिल्कुल होती है, परंतु सर्वे रिपोर्ट में चंदेरी रेल लाइन से मालगाड़ियों की आवाजाही को शून्य दर्शाया गया है। मात्र एक 11 कोच की पैसेंजर ट्रेन को झांसी से गुना के बीच चलाकर ट्रैफिक कैलकुलेट कर दिया गया है। और मज़ेदार बात ये कि इसके प्रथम वर्ष में मालगाड़ियों की आवाजाही को नील यानी शून्य दर्शाया गया है, 6 वर्ष पश्चात भी मालगाड़ियों की आवाजाही को शून्य दर्शाया गया है, और 11 वर्ष पश्चात भी मालगाड़ियों की आवाजाही को शून्य दर्शाया गया है। यह इतनी भयंकर ट्रैफिक कैलकुलेशन में गलती की गई है, जिस कारण ललितपुर चंदेरी पिपरी रेल लाइन की मंजूरी मिलने में बहुत अड़चन आ रही है। ये सभी दस्तावेज जब हमारे द्वारा सूचना के अधिकार में रेल बोर्ड रेल मंत्रालय से प्राप्त किए गए और सर्वे रिपोर्ट का अध्ययन किया गया, तब यह महत्वपूर्ण बात उजागर हुई। इन्हीं सारे दस्तावेजों को कल माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को सौंपा गया है और उन्हें इस गलत ट्रैफिक कैलकुलेशन को निरस्त कराने और इसको पुनः ट्रैफिक कैलकुलेट कराने का आग्रह किया है, जिसको माननीय सिंधिया जी ने गंभीरता से सुना और जो दस्तावेज हैं वह अपने निस्सचिव श्री हरीश जी को सौंपे अग्रिम कार्रवाई के लिए। माननीय सिंधिया जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे विश्वास है कि जैसे ही गलत ट्रैफिक कैलकुलेशन हटेगा, ललितपुर चंदेरी पिपरी रेल लाइन को तत्काल मंजूरी मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, मिश्रा जी के द्वारा जानकारी दी गई कि इस परियोजना के सर्वे में किस तरह से रेलवे विभाग के द्वारा त्रुटि की गई है, उक्त त्रुटि को जल्द से जल्द सुधार कर इस परियोजना को स्वीकृति दी जाने की मांग क्षेत्रवासियों के द्वारा लंबे समय से की जा रही है और उम्मीद जताई जा रही है कि यह रेल मार्ग एक महत्वपूर्ण कड़ी क्षेत्र की रेलवे और पर्यटन गतिविधियों के लिए तो होगा ही, साथ ही रेलवे को भी भविष्य में ट्रैफिक जो अतिरिक्त रूप से चलाया जा सकता है उसमें भी सहायता मिल सकती है। देखते हैं आगे इस परियोजना के बारे में क्या होता है। आप सभी का धन्यवाद।